बहुत धन्यवाद। दिनकर जी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, मैं चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट्री हम सब देखें, कृपया चलाएं। मर्त्य मानव के विजय का तूर हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर हूं मैं। सच है, दिनकर कोई और नहीं, सूर्य ही हैं। हिंदी हृदय के, कविता पटल के, शब्द शिखर से भाषा को आलोकित करते दिनकर। संपूर्ण नाम रामधारी सिंह दिनकर। सुंदर संयोग की सूर्य की भांति उदित भी हुए देश के पूरब में ही। स्वागत को मानो स्वयं सूर्य भी तत्पर खड़े हो। तो मैं ही क्यों रहूं सदा तपता मध्यान्ह गगन में, नए सूर्य को क्षत छोड़ ऊपर नभ में आने दो। समूचा राष्ट्र, खासकर हिंदी जगत चिर कृतज्ञ है बेगूसराय बिहार के गांव सिमरिया का। धरा के इसी भाग्यशाली अंश से उदित हुआ भारतीय साहित्य का नया सूर्य। तारीख 23 सितंबर सन 1908। पिता बाबू रवि सिंह और माता मन रूप देवी। काल कोख भूपाल सब धन्य हुए, सब पूज्य हो गए। हों भी क्यों ना, अंधतम के भाल पर पावक जलाने, बादलों के शीश पर स्पंदन चलाने, एक शिशु ने पांव यहां धरे थे। वो भी तब जब भूख भय और अभाव भारत की तकदीर से जुड़ गए थे। ब्रिटिश हुकूमत को फिक्र कहां थी भारत की। सिमरिया और दिनकर का घर उस भारत से अलग नहीं थे। दिनकर का कांच मन गरीबी की आंच पर पहले दिन से ही चढ़ता रहा, पकता रहा। विघ्न बड़े आगे थे और दिनकर को उफ भी कभी नहीं कहना था। 2 साल की उम्र, उम्र ही क्या होती, अभी तो माँ की गोद से उतरना भी नहीं सीखा था कि पिताजी का साया सिर से उठ गया। पड़ोसी गांव बारों में था प्राइमरी स्कूल, वहीं शुरू हुई पढ़ाई लिखाई। सूर्य कब आत्म केंद्रित हुआ है जो दिनकर हूं। दिनकर को खबर थी पड़ोस की, परिवेश की, चिंतन और चिंता भी। किसी एक बच्चे की बिलबिलाहट में सामूहिक क्रंदन स्वर सुनना सीख गए थे दिनकर। उसमें शामिल था उनका अपना बचपन भी। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध हे वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। 13 साल के होते ही दिनकर का ब्याह हो गया श्यामवती जी से। दिनकर ने मैट्रिक पास की फर्स्ट डिवीजन से, प्रांत में सबसे ज्यादा अंक लाकर। इस बीच 4 संतानें हुई, 2 पुत्र राम सेवक सिंह, केदारनाथ सिंह, और 2 पुत्रियां विनिता और विभा। दिनकर की 34 कविताओं का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ विजय संदेश के नाम से। सिमरिया के इस अनमोल नगीने ने अपनी पहली चमक बिखेरी थी तब। बर्दलोई के सफल संग्राम पर सरदार पटेल से प्रेरित होकर दिनकर ने बर्दलोई की वंदना की। बलिरति जोड़िनी, रिपुरद तोड़िनी, अरि गौरव गिरी गर्व मरोड़िनी, कठिन कर्म सारिणी, तू सत्वर विल्सन मारिणी, वंदे वीर बारदोली वंदे। 24 वर्ष के होते होते दिनकर पटना कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए। दिनकर के क्षितिज छोड़ ऊपर नभ में आने का, छा जाने का वक्त भी आ गया। 1933 में हिमालय पर कविता रचकर दिनकर साहित्य पटल पर चिरंजीवी हो गए। मेरे नगपति, मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट। दिनकर एक रहस्य की तरह कदम कदम अचंभित करते गए। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। 1935 में रेणुका और 1939 में हुंकार के प्रकाशन के साथ ही भारतीय साहित्य को ओज की कविता की नई जमीन, नया नायक मिल गया। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रश्मि रथी में दिनकर नई तपिश के साथ सामने आते हैं। हक,
हिस्से और पहचान से वंचित वर्ग को, कर्ण को नया स्वर देने। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। गणतंत्र प्रजा का यज्ञ है। भारतीय गणतंत्र के मुहूर्त पर दिनकर इसे कुछ यूं बयां करते हैं। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तप और सहिष्णुता दिनकर के बल है। कुरुक्षेत्र में कुछ यूं रेखांकित भी करते हैं। तप से, सहिष्णुता से, त्याग से, सुयोधन को जीत, नींव नई इतिहास की मैं धरता। दिनकर पुरुरवा बनकर उर्वशी के सामने कोमल प्रेम की प्रस्तुति भी देते हैं। जब से हम तुम मिले रूप के आगम फूल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। भारतीय संस्कृति की व्यापकता और मौलिकता को लेकर दिनकर खूब सजग दिखे। उनकी गद्य कृति संस्कृति के चार अध्याय इसी का उदाहरण है। दिनकर को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित दर्जनों सम्मान मिले। सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया। दिनकर लगातार दो बार राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत हुए। सन 1962 के चीनी आक्रमण पर दिनकर ने अपने ओज पुरुष परशुराम को याद किया। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं नरंच गरल था। 24 अप्रैल 1974 तिरुपति। श्रोताओं को रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कराते हुए ये स्वर भी शब्दों के विशाल नभ में तिरोहित हो गया। दिनकर अपने आखिरी उद्घोष को भी सच कर गए। मरण कोट पर चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर, मैं मृत्युंजय कवि प्रकाश की जय का गान करूंगा। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली करते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। हिंदी के सम्मान में और हिंदी को गौरव